हमारा गेट वेट लगा था ना, प्रॉपर हो गया है। एक बार आप लोग भी देखो, है सिग्नेचर ब्रिज। Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरी तरह सो गाइज, आज है 3 तारीख और 3 सितंबर है। और जैसे आप लोगों ने मेरे इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, जिसके अंदर हमारे किचन वाला है ना काम है ना, जैसे उसके अंदर दराज वगैरह बन रही है, बन चुकी है हमारे घर की जो दराज है किचन की। एक बार मैं आप लोगों को ऊपर दिखाता हूँ। रुको, ये देखो, ये पूरी अच्छे से बना दी भैया ने। और बाकी देखो यहाँ पे काम भी वैसे अच्छा कर रखा है भैया ने, दिख रहा है। और काफी मतलब अच्छी लग रही है, एकदम कलरफुल। बाकी अंदर तो सामान है, बाकी बस लास्ट अंदर का ही रह गया। लास्ट में हम लोग ही वाइट पट्टी कर लेंगे और बाकी देखते हैं। और ऊपर भैया कर रहे हैं काम ऊपर गेट लगाने का। और जतिन यहाँ पे पढ़ रहा है। और देखो भाई क्या पढ़ रहा है जतिन, इतनी बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। 2000 years later. So guys, कल का प्लान क्या है? हम जा रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज नहीं और हम शूटिंग थोड़ी करेंगे। और अभी 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 और अभी हम वीडियोस देख रहे थे कि कौन कौन सी बनानी है। हमने देख तो लिए वैसे। और कि कल सीन क्या है कि कल मैं सिया रुद्र और जतिन रहेंगे नई वीडियो बनाने की, ठीक है? और ऐसे ही मेरी वीडियो को प्यार देते रहे। और सिया कल जाएंगे, कल देखते हैं कितने रीटेक लेंगे, हम। अभी टाइम हो चुका है, रात के 10 बज चुके हैं और हम लोगों ने अभी खाना वाना नहीं खाया। बस अभी थोड़ी देर में हम लोग खाना वाना खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, या फिर उसके बाद मैं मिलूंगा सीधा सुबह जहाँ पे हम जाएंगे। तो फिर बाकी चलो, बाय बाय। सो गाइज, आज है नेक्स्ट डे। और जैसे आप लोगों को पता है कि कल सिया बोल रही थी आज हम लोग जाएंगे मतलब शूट पर, लेकिन सीन क्या है कि थोड़ा सा ना अब मौसम एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोबारा बज चुके हैं और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ धूप कितनी तेज हो रही है। एक बार बाकी आप लोग एक बार देखो यहाँ से, और अब समझ भी नहीं आ रहा ऐसे मौसम में जाना ठीक है या नहीं है। अब चलो मैं तो एडजस्ट कर ही लूंगा और बाकी देखना पड़ेगा कि क्या नाम है, बच्चे जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या है कि बड़े तो मतलब एडजस्ट कर लेते हैं जितनी भी धूप हो। बात तो सही है, मतलब बच्चे भी है ना, बच्चे जब साथ में जाएंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी चलो यार एक बार पूछता हूँ सिया से क्या प्लान है। तेरी मम्मी और मम्मी ठीक हो? मम्मी थोड़ा बहुत बर्तन साफ कर दिया वहां पे। सिया बहुत धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा, क्या करना है क्या? अच्छा अब देख रहे धूप हो रही है या फिर अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, या फिर अगर ऐसी धूप में चलना है तो बताओ फिर। वैसे तुम्हारी वैसे मेरे को लग रहा है थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा या फिर शाम को चलना पड़ेगा। शाम को 4 बजे के आसपास निकलेंगे, क्योंकि जो आज हमारा जो शूट है ना, तो हम लोग जाएंगे क्या नाम है, मैं सिया जतिन और रुद्राक्ष। आगे चलो बने रहो ऐसे आप लोग मेरी वीडियो में। सो गाइस, सीन क्या है कि देखो भाई मैं बताता हूँ कि ना बाहर बहुत ज्यादा मौसम मतलब धूप हो रखी है, और हम लोग सोचे कि थोड़ा मौसम अगर ठीक हो जाता तो हम लोग चल लेते, पर लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब है यार, धूप बहुत ज्यादा हो रखी है। तो अब हम लोगों ने डिसाइड करा है कि सिया अब हम लोग चलते हैं, शाम को चलते हैं, क्योंकि संडे तो है यार छुट्टी है। तो अब हम लोग जाएंगे शाम को और रुद्र भी है ना साथ में, ठीक है भाई रुद्र शाम को चलेंगे। बस अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, मम्मी भी यहाँ बैठी। नहीं हम नहीं चला रहे एसी, ऐसे हम चलाएंगे ही नहीं, हम नहीं चलाएंगे ऐसी, क्या करेगी चला के तो। अच्छा हम यहाँ घर में इतने सारे बंदर है, कम थोड़ी है। ओहो एसी, चलो भाई सिया ने चला लिया यहाँ पे एसी, ऐसी है। सो गाइस फाइनली अब हम लोग खा रहे हैं खाना, क्योंकि दोपहर के बज चुके इस वक्त होने 3 और हम लोग सब बैठ के यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं। और सिया कैसा लग रहा है तेरे को, चावल अच्छे लग रहे हैं? छोले भी, क्योंकि मम्मी ने बना रखे थे ना बहुत टेस्टी है, और विश्वास नहीं मानोगे सिंपल खाना बहुत अच्छा लगता है और काफी मजा भी आ रहा है खाने में। और देखो वैसे सिया बताऊं कैसे खाती है, एक बार सिया दिखाना। सिया भी दिखा नहीं सकता वरना आप खाने नहीं खाओगे, ऐसे खाती है। बाकी चलो, अरे से देखो हाथ से खा रहे हैं। ओए चम्मच नहीं रे पास है भाई,
ये देखो अब उधर मुंह करके बैठ गया। तेज से कह रहा भाई, चल सही है सही है, कोई नहीं काम करते हैं, चलो खाना वाना खाते हैं, खाने खाने के बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों से, फिर ऊपर दिखाऊंगा जो जो हमारे घर पे कारीगर लगे हैं ना, तो जो उन्होंने गेट लगा रखा है, बाकी वो कारीगर काम कर रहे हैं काफी अच्छा काम। फिर हम लोग जाएंगे हाँ शूट पे, बस लेकिन दुआ करो कि यार मतलब धूप थोड़ी कम हो जाए, 4:30 बजे तक निकलेंगे ठीक है, तो बाकी वीडियो में बने रहो। गाइस शाम के बज चुका है इस वक्त 8:30 बज चुके हैं, और अब मैं एक बार आपको अपने घर का जो काम है ना मैं वो आपको वो दिखाता हूँ, जो मतलब हमारा गेट वेट लग रहा था ना प्रॉपर हो गया है, एक बार आप लोग भी देखो, ये हमने पूरा ये गेट है ये लगवाया है पूरा अच्छे से, और ये इसके बैक साइड में हमने इसकी ये लगवाई है। पर लेकिन एक सीन हो गया, क्या हुआ था कि हमने ना उन वाले भैया को ये फ्रंट के लिए बोला था, उन्होंने लगा दिया बैक साइड में, अब बैक साइड में लगाने के बाद फिर वो कह रहे कि दूसरी वाली ले आएंगे तो वो हम दूसरी लगा देंगे, तो बाकी कोई नहीं ये भी अच्छी लग रही, फिर हमने ये वाली ऑप्शन ऑप्शन में थी हमारे पास कि मतलब ये सेट करने के लिए लगाने के लिए, तो बाकी ये भी अच्छी लग रही है, और ये हमने इसका काम करवाया है, बाकी ये जो यहाँ पे खिड़की थी ना, यहाँ पहले खिड़की नहीं थी जैसे आप लोगों ने मेरे पहले कुछ वीडियोज में से कभी देखा हो, तो बस एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अब ये है कि काफी मतलब सही हो गया, एसी लग जाएगा ना तो फिर ठीक लगेगा, ठीक लगेगा मतलब रूम भी, क्योंकि ये पूरा एसी के लिए तो पूरा कवर चाहिए ना रूम की मतलब बिल्कुल ही वैसा। और बाकी एक बार मैं आपको नीचे को और दिखाता हूँ, नीचे का भी हो गया पूरा फिनिश हो गया, बस अब हम लोगों ने ये सोचा है कि क्या नाम है कि ना ये जैसे नीचे रेड कलर की वो है ना, जैसे रेड कलर की हमने बनवाई यहाँ पे दराज, और हम ऐसा पूरा ऊपर भी बनवा दे, क्योंकि फिर ये अजीब सा लग रहा है ना रेड, और ये देखो आपको जैसे दिख रहा होगा रेड नीचे और ऊपर ही वैसा है। बाकी अब हमने बोला कि उनसे भैया से कि मगर भैया कल आ जाओ, वो कल लगाएंगे आके, बाकी चलो। और अभी हम लोग भी बस फ्री हुए हैं, मतलब हम लोग बैठे हुए थे अभी बात कर रहे थे, बाकी मम्मी भी अभी साफ सफाई करके आती है क्योंकि ऊपर थोड़ा गंदा हो रहा था ना, और रुद्र ने भी बहुत हेल्प कराई है, हाँ भाई रुद्र बहुत हेल्प कराता है भाई हमेशा, तो बाकी चलो फिर क्या खाएगा बता रुद्र, चल बता चल लीजिए, तो वो चीज खिला के लाऊंगा वहां से, कुछ खाने चलेंगे ठीक है। सो गाइस रात के बज चुके हैं 10, और हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारा घर का काम फिनिश हो चुका है, और बस अब इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा थोड़ा छोटा सा था। सो गाइस आप लोगों ने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देख ही लिया, तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।